दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है आई। बच्चे का सूट सिलवाना है इनका ही आपका? वाले इंसान सर, ये सिले 900 रुपये दिए, 2000 रुपये लगा। जी बिल्कुल सर। तो नाप किसको दिया था यहाँ पर? नाप ये साहब जो खड़े हैं ना, इनको दिया ना। सिलवाने हैं दो सिलवाने हैं? एक सिलवाना है। एक सिलवाना है बच्चे को ऊपर जी। 332 कहाँ पर है? 332 उस्ताद, वो तो अबे ज्यादा यार, ज्यादा है। ब्लैक कमीज है ना? हमारे पास एक पठान भाई आ रहे थे, तो उन्होंने बोला यार मैं इसका कपड़ा खरीद लूंगा, तो इससे बेहतर है मुझे 2 दिन के लिए किराए पर दे दो। क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैंने भी अपने बच्चों को पहनाने हैं सर, मैं एडवांस दे के जा चुका हूँ। 36 वो छोटे बच्चे का जो था, हाँ तो वो तो चल गया, वो मैंने काट पीट के उस दिन आपके बच्चे का रोजा मिठाई करवा दी यार। वो मैं आपको बताऊँगा, वोल्टेज तेज आया हमारा, जो ये ना ये बेचारा नाभिन है, जरा सा नाभिन है, हल्का, पूरा नहीं है, हल्का सा नहीं है इसकी बेचारे की रोजी है वो, ठीक है ना, जरा सा नाभिन है। तो वो मैं क्या करूं भाई, चलो बेटा लेट जाओ। निकाल क्यों रहे हो भाई, निकाल क्यों रहे हो आप? तो भाई जान जब ये लेटेगा जब तो मैं शर्वा कमीज का नाप लूंगा ना। कमीज का नाप आप कैसे लेंगे, इसको खड़ा करके ले ना। तो भाई मैं लेटा के ले रहा हूँ ना, ये स्पेशल नाप होता हमारा। पहले दर्जी है आप तो लेटा के ले रहे हैं ना, तो आप लेटने देना। अस्पताल में थोड़ी है जो आप लेटा रहे हैं सर। तो भाई जान मैं नाप लूंगा, मैं जब तो सीऊंगा ना, ऐसे तो नहीं सीऊंगा। तो आपको खड़ा करके नाप लेना। अरे भाई सूट ना मेरा कैसे दे दिया आपने? उसके घर में तकरीब थी, उसने बोला मैं नया लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर टंगा हुआ था, आप लेने आए भी नहीं थे। आया, मैंने तो ईद के लिए इतना महंगा सूट लिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखें आप तो जल्दी आ गए ना। आइए सर, हर सूरत चाहिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं मना नहीं कर रहा भाई, और पेशावर में आपने बच्चों को। तो भाई आप ये बताइए, आपकी ईद अभी तो नहीं है ना? नहीं पता सर, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको एडवांस दिया, मैंने किसी पठान को थोड़ी एडवांस दिया। तो भाई ईद में अभी 3 दिन है ना, मैं आपको सूट तो मना तो नहीं कर रहा ना, जान बता तो रहा हूँ ना। वो इस्तरी कर रहा था, प्रेस कर रहा था आपके बच्चे के कपड़े में ना, तो एकदम बिल्ली आई थी, बिल्ली को भगाने गया, तो आपके बच्चे का कपड़ा जल गया, मैंने बर्नोल लगाया लेकिन कपड़ा सही नहीं हुआ, पूरा बर्नोल मेरा हाथ। कपड़े बर्नोल कौन लगाता है मेरे भाई? तो भाई जान किसी चीज़ को जल जाए उस पर क्या लगता है? हाल में लगती है बर्नोल तो। आपको नहीं पता दर्जी हमें, आप हैं, आप हैं हमें, हमारे पास बर्नौल की ना पूरी, वहाँ पर वो शीशा रखी हुई। अरे दो ना यार, आपने बच्चे को बिगाड़ दिया। ओ भाई तुम बिगाड़ कर खुद लेकर आए हो, तुम खुद दे रहे हो, आप हमें बिगाड़ने वाले बोलो। प्यार से नाप दे रहा था वो आपको, आप उसके कान का नाप दे रहे, पैंट का नाप दे रहे। तो भाई जान मैं पैंपर का नाप ले रहा हूँ, पजामे का ले रहा हूँ, कमीज का ले रहा हूँ। तो भाई पूरा सूट ही तो सिलवाना है। मैं कपड़ा तो भाई नहीं मिलता, किराया हमने कितना लिया? 800 रुपए, एक दिन का 400 रुपए। अब वो मुझे 800 रुपए देगा, 400 मैं आपको दे दूंगा, 400 मैं रख लूंगा। मैंने 400 रुपए क्या करने यार, मुझे सूट चाहिए। अगर आपको सूट चाहिए यार, ये आप बदतमीजी नहीं करो मेरे साथ, मैं बता दूं आप। जिसके लिए ये जिसके लिए उनका नाम है खिसके, ये किसके का है? खिसके है ना, हम तो खिसके में बहुत है भाई, हम भी बहुत खिसके में। इनका बच्चा हमारा बच्चा, इनका बच्चा गधे का बच्चा। मैं भाई अभी ठीक है दो यार, तो साइड में सीकर दो। आप लड़ाई वाली बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर भाई? अभी ठीक है, अभी किसी का आप बात नहीं करें, आपने बदमाशी कर रहे हैं क्या? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, बता रहे ना, बता। हमने आपके साथ मजाक किया सर, जो रिकॉर्डिंग है। एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, ये एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेट्रो मंदिर शो आता है जरा हट के, ये ईद स्पेशल चल रहा है।